नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया, मेरे यानी किरण बैरागी के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। पट्टे की मांग को लेकर कालूखेड़ी की सैकड़ों महिलाएं पहुंची कलेक्टर की जन सुनवाई में। मांग पूरी नहीं होने पर पट्टे नहीं तो वोट नहीं करेंगे बहिष्कार। उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत उन परिवारों को निःशुल्क भूखंड देने का ऐलान किया है जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन के दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं, किंतु नगर निगम उज्जैन के वार्ड क्रमांक 1 में भैरवगढ़ के अंतर्गत कालूखेड़ी में सैकड़ों परिवार जो कि पिछले 60 वर्षों से यहां काबिज हैं, मगर उन्हें आज तक पट्टा वितरित नहीं किए गए, ना ही मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई लाभ दिया जा रहा है। मंगलवार को जन सुनवाई में कालूखेड़ी में से पहुंची 100 से अधिक महिलाओं ने कलेक्टर को आवेदन देकर पट्टे देने की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से पट्टे की मांग की जा रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यदि शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या समस्या आपकी और क्या शिकायत लेके आज यहाँ पर आप आए? हम कोलूखेड़ी से आए कलेक्टर ऑफिस पट्टे के सिलसिले में। हमारा कोई पट्टा नहीं बना, हम 60 वर्ष से वहीं रह रहे हैं, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम जाते हैं वहाँ, जाते हैं तहसील, जाते हैं तहसील से बोलते हैं उज्जैन जाओ, उज्जैन से बोलते हैं कि वहाँ जाओ घटिया जाओ, वहाँ से आते हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। इस बार आपको पट्टे नहीं मिले तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे? हम वोट नहीं देंगे, हमारा वोट मिलेगा तो वोट देंगे।